वात क्या है और वात बिगड़ने के लक्षण क्या क्या हैं और शरीर पर इसके कौन कौन से प्रभाव आपको दिखाई देते हैं, इससे संबंधित मैंने एक पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरा डॉक्टर मैं सीरीज़ का पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है वात को और उसको समझाया है आपको कि किस तरीके से वात आपके शरीर में वृद्धि होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वात से होने वाली बीमारियाँ और उनका समाधान, साथ में हम डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं और अनाज के कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हम खाएँ और कौन कौन सी चीज़ों को हम अपनी डाइट से बाहर निकाल दें जिनके वात को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो बहुत ही सदीवी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। देखिए ये पूरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करें और यूट्यूब के अन्य वीडियोस देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो इंफॉर्मेटिव है और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो में इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ यूट्यूब चैनल की मेरा डॉक्टर मैं सीरीज का पार्ट 5। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वात से होने वाले रोग और उनके उपचार के बारे में। देखिए जब बॉडी में वात बिगड़ता है तो वात अपने बिगड़ने के साथ साथ पित्त और कफ दोष को भी बिगाड़ देता है और इससे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, अलग अलग बीमारियां आने लगती हैं। और इन बीमारियों की विशेषता ये होती है कि इनका कारण हमें समझ में नहीं आता। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो या फिर कोई मेडिकल रिपोर्ट करवाते हो तो उसमें उनका कारण स्पष्ट रूप से जानने में समझने में नहीं आता और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन आप समस्या फील कर रहे होते हो। ऐसे पेशेंट्स आपके परिवार में, आपके आसपास आपको लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हुए मिलेंगे कि हम जब रिपोर्ट करवाते हैं बॉडी की तो उस समय कोई भी प्रॉब्लम उसमें दिखाई नहीं देती है, तो उसके पीछे वात एक कारण होता है। तो बीमारी की रूट जो होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वात क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो किसी भी रिपोर्ट में या समझने में नहीं आती है, क्योंकि कारण क्या है, वात। अब वात आप अगर अपने शरीर को थोड़ा सा समझते हो, जानते हो, थोड़ी सी आपको जानकारी है तो आप इन चीज़ों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसीलिए इस सीरीज़ का नाम जो रखा है मैंने, वो रखा है मेरा डॉक्टर मैं। आपके डॉक्टर आप खुद हैं, आप अपने आप को खुद हील कर सकते हैं। दोस्तों जब वात बिगड़ता है तो आयुर्वेद के अनुसार आपकी बॉडी में 80 प्रकार के रोग, 18 प्रकार की डिजीज़ बॉडी में आने लगती हैं, घर करने लगती हैं और इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, जैसे आपके जो नेल्स हैं वो रफ हो जाएंगे, आपके बाल हैं वो बिना टाइम ही झड़ने लगेंगे, ऐसे में झड़ने लगेंगे, आपके शरीर में खुश्की आने लगेगी, ड्राइनेस आ जाएगी। इसके अलावा आपके हाथों में ट्रेमलिंग होना, हाथ पैरों पे कंट्रोल का ख़त्म होना, हाथ पैरों में सुन्नपन का फील होना, साथ में हल्की ठंडक आपके हाथ पैरों में फील होगी, आपके पिंडलियों में आपको ऐठन और टाइटनेस फील होगी, आपके जॉइंट्स में पेन होगा और स्पेशली आपकी सियाटिका नाड़ी में, बैक में सियाटिका नाड़ी में पेन होगा, सुई की चुभन जैसा दर्द होगा, आपके हार्ट के आसपास आपको सुई चुभन जैसा दर्द होगा, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलेंगे। आपकी आंखों में आपको ड्राइनेस फील होगी, आपकी बॉडी में आपको ड्राइनेस फील होगी, लेजीनेस फील होगी। इसके अलावा शरीर के जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट पेन बहुत बड़ी समस्या है आजकल, जैसे ही थोड़ी 30+ एज होती है तो लोगों को ये समस्या फील करनी पड़ती है। बहुत सारे महिलाओं को, पुरुषों को ये समस्या होती है कि जैसे वो 30+ जाते हैं उनके जॉइंट्स में पेन होने लगता है और इसका कारण वो समझ नहीं पाते, मेडिसिंस खाते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है वात का इम्बैलेंस हो रहा। अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा सा परिवर्तन करें, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ आप ऐड करें तो इस समस्या का सोल्यूशन किया जा सकता है। दोस्तों इससे आगे अगर बात करें तो वात के बिगड़ने से आपका डाइजेशन सिस्टम भी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। वात बिगड़ने से आपकी पेट में असमय और असामान्य से अधिक गैस बनने लगती है। गैस बनने से आपका जी मिजलाना, उल्टी आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं और गैस ऊपर चढ़ने से आपको अफारा जैसा फील होगा। इसके साथ साथ इससे आपकी भूख है वो अनियंत्रित हो जाएगी, जिस समय आपको भूख लगनी चाहिए उस समय भूख नहीं लगेगी और भूख बहुत कम मात्रा में लगेगी। आप जो खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे और भी समस्याएं बॉडी में आएंगी, जिसके बारे में मैंने समय टाइम टू टाइम मैं बताता रहता हूँ आपको। तो ये डाइजेशन से रिलेटेड भी जो समस्याएं होती हैं उसके पीछे भी वात बहुत बड़ा कारण है। वात बिगड़ने से हमारे दिल के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दिल बैठना और दिल के अंदर हल्की चुभन होनी, पेन होना, कभी कभी आप लोग फील करते होगे कि जैसे आप सांस लेते होगे तो एक हल्की सी चुभन जैसा पेन होता होगा और ये कभी कभी बढ़ के हार्ट अटैक तक भी रूप ले लेता है इससे, क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों को होती है और इग्नोर करते हैं लोग और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने लगती है और फिर ये हार्ट अटैक का भी रूप ले लेती है। कभी कभी हार्ट के ऊपर वात की वजह से एक्सेस प्रेशर बन जाता है जिससे हार्ट की पंपिंग सिस्टम डिस्टर्ब होता है और पंपिंग सिस्टम डिस्टर्ब होने से बॉडी को सही से वो जो ब्लड फ्लो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता
और इससे हार्ट फेल होना, हार्ट के ऊपर ब्लॉकेज आना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आने लगती हैं। और इनके सबके पीछे कारण क्या, वात। इसके अलावा दोस्तों वात बिगड़ने से कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। गर्दन में जकड़न, गर्दन के पीछे दर्द, आंखों में असमय पेन होना, दांतों में असामान्य दर्द होना, दांत हिलने लगना, मुंह सूखना, मुंह का स्वाद बदल जाना, आवाज़ में लड़खड़ाहट आना, और वात बिगड़ने से हमारे कनफेड का भी रोग होने लगता है जिससे कान की जड़ में दर्द होने लगता है, साउंड सुनने लगती हैं, बिना शब्द के ही, बिना आवाज़ के ही आपको साउंड सुनाई देगा, ऊंचा सुनने लगता है, बहरेपन की समस्या होने लगती है। इसके बाद वात बिगड़ने से आँखों को नीचे ऊपर करने में प्रॉब्लम होती है, आपकी भौहें फड़कने लगती हैं, आँखों में असामान्य दर्द होने लगता है, धुंधला व कम दिखाई देने लगता है। इसके बाद वात बिगड़ने से बार बार हिचकी आना, उबासी आना, असामान्य कपकपी हाथ पैरों में, मांसपेशियों में अजीब सी ठंडक का महसूस होना, मस्तिष्क में, वात नाड़ी में वात बिगड़ने से मिर्गी के झटके आने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को मिर्गी की समस्या होती है और समझ में नहीं आता, वो मेडिसिंस खाते रहते हैं। वात के डिसबैलेंस होने से आपकी बॉडी में, वात बिगड़ने से ही मिर्गी रोग होता है। तो जिन लोगों की ये समस्या होती है उनको वात का समाधान करना चाहिए, ना कि मेडिसिंस खाने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे बड़े रोग भी हैं जिनका कारण वात है, वात के कारण ही वो रोग होते हैं, जैसे बाववादी, अर्थराइटिस, गठिया, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, पेट में अफारा बनना, कब्ज होना, अत्यधिक आँव बनना, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी, शरीर का रूखा सूखा होना, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, लकवा, ये सभी जितने भी रोग हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ये सभी रोग वात के कारण होते हैं। अगर वात आपकी बॉडी में नियंत्रित हो तो ये बॉडी में ये रोग कभी हो ही नहीं सकते, जिसको हो वो धीरे धीरे करके अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे बॉडी से। मॉडर्न मेडिकल साइंस इनके मूल कारण को ना जान के इनके सिम्टम्स के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स की कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है और वो उसका समाधान प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि वो कारण को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा सा अपने शरीर को जानें और समझें तो इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वात को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सही तरीके से अपनी बॉडी को बैलेंस करना चाहते हैं। तो दोस्तों वात को नियंत्रित करने में आयुर्वेद के अनुसार तेल सबसे बेहतरीन औषधि बताया गया है। आप तेल को अपनी डाइट में ऐड करें, डाइट में खाएं तेल को। तेल खाते समय एक नियम याद रखें, आपको रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड, डबल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, मिनरल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आप रो ऑयल डाइट में खाएं। उसके बाद ऑयल की मसाज वात को नियंत्रित करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। आप ऑयल की मसाज लें, उसके बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें। ये चीज़ आपके बॉडी के ऊपर इंस्टेंट रिजल्ट दिखाएगी। अगर आपको वात वृद्धि हो रखी है शरीर में तो आप तुरंत ऑयल मसाज करें, उसके बाद गर्म पानी से स्नान करें, ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। साथ ही आप एक नियम का ध्यान रखें, खाना खाने के बाद कभी भी मसाज ना करें, ये खाना खाने से पहले करें ये क्रिया, ये चीज़ आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगी। साथ ही आप दोपहर का खाना खाने के बाद भुनी हुई अजवाइन खाएं, इससे आपको डाइजेशन करने में हेल्प मिलेगी, साथ में आपकी बॉडी में बढ़े हुए वात की वृद्धि को नियंत्रित करने में हेल्प होगी। क्योंकि दोपहर का जो समय होता है उस समय वात का वृद्धि होने का समय होता है, उस समय अगर आप अजवाइन खाएंगे तो आपकी बॉडी में वात बहुत जल्दी नियंत्रित होगी। इसके बाद मेडिसिन के तौर पे आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। पहला है, आप मेथी दाना एक चम्मच भिगो दें, उसको सुबह चबा चबा के खाएं, साथ में वो पानी पिएं, ये 21 दिन तक आपको करना है, पहले दिन से आपको इफेक्ट महसूस होने लग जाएगा। इसके बाद आपको एक वातारी चूर्ण आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, पतंजलि का ले सकते हैं, अच्छा आता है, और भी किसी भी कंपनी का, आपको जिसको आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वातारी चूर्ण का इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें बताता हूँ जो डाइट में अगर आप डाल देंगे तो इससे आपको इफेक्ट महसूस होगा। इसमें है त्रिफला, सौंठ, हींग, दालचीनी, इलायची और सेंधा नमक। इन चीज़ों को आप किसी भी तरह अपनी डाइट में ऐड करें और खाएं। वाइट नमक जो होता है उसको अवॉइड करें, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जो होता है उसको आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ठंडे पेय पदार्थ बिल्कुल ना आप अवॉइड करें। बाहर से मार्केट से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स, बर्गर, पिज्ज़ा, डिब्बा बंद चीज़ें, पॉलीथिन बंद चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा रूखी सूखी और पुरानी बासी चीज़ें खाने से बिल्कुल बचें, आप ताज़ा खाना खाएं। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपकी वात को बिगाड़ते हैं, जिनमें है वाइट राइस, भुने हुए चने, सूखे मेवे और शराब का अधिक सेवन, फूल गोभी, दालचीनी, मटर, सेम, मूली और साथ में स्मोकिंग करना, ड्रग्स का अधिक इस्तेमाल, अरहर की दाल, मशरूम, मोठ,
ये सभी चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में खाएंगे तो आपकी वात को डिसबैलेंस करेंगे ये, तो इन चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर कर देना है। अब कौन कौन सी चीज़, आप बोलेंगे जी इतनी सारी चीज़ें आपने बाहर निकाल दी, अब खाना क्या है, तो खाने के लिए क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वात को नियंत्रित करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें है सबसे पहले व्हाइट राइस की जगह पर आपको ब्राउन राइस खाना है, गेहूं की रोटी, पुराने बासमती चावल, उड़द की दाल, सरसों, तिल, तिल का तेल, देसी गाय का दूध, छाछ, घी, मिश्री, देसी खांड, अदरक, पुदीना, प्याज, परमल, बथुआ, लौकी, चौलाई, गाजर, सहजन की फली, मीठे अंगूर, संतरा, फालसा, पपीता, मीठे आम, अनार, अखरोट, अंजीर, बादाम और भीगे हुए मुनक्का और खजूर, ये सभी चीज़ें वात को नियंत्रित करने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। ये जो भी जो मैंने फूड प्रोडक्ट्स बताए, इन चीज़ों को आप खाएं, ये वात रोधिक रोधक मानी गई हैं, वात को रोकने वाली मानी गई हैं, और जो मैंने पहले चीज़ें बताई थी वो वात को बिगाड़ने वाली मानी गई। तो इन चीज़ों को आप दोबारा से रिपीटेशन के साथ सुनें और नोट कर लें इन चीज़ों को, ताकि आप अपनी डाइट से कौन कौन सी चीज़ें बाहर करनी है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो वात को नियंत्रित करना इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें थोड़ा सा अपनी डाइट के बारे में अवेयर होना, जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट के तौर पे दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप अपनी डाइट में वो चीज़ें बिल्कुल ना खाएं जिसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ें खाने के, क्योंकि आप अपने शरीर को मुझे लगता है कि समझते हैं, और जो चीज़ें आप खाते हैं तो आपको गैस बनती है या डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हार्ड पड़ती हैं जो चीज़ें पचने में, उन चीज़ों को बिल्कुल बाहर करें, ऐसी चीज़ें खाएं जो सुपाच्य हों। साथ में आप अपने थोड़े से सोने और जागने का समय नियंत्रित करें, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएँ, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ फिजिकल योग, व्यायाम आदि भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसके लिए मैं एक अन्य पार्ट शूट करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से प्राणायाम, ध्यान की क्रियाएँ आप कर सकते हैं, कौन से योग आप कर सकते हैं जिससे वात को नियंत्रित होने में मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो तो अन्य लोगों के साथ भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी हो सके। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा, ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।